Hello guys and welcome back to the channel and I'm your host Premax. Yeah. Then the bus drives away and that's when you can let the real emotion in. I was 10 times worse than this. I was a blubbery mess the very first time. तो बहुत ही जोश के साथ हमने इंट्रो की शुरुआत की है, उसी जोश के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले भाई लोग, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो इस दादा का चैनल सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाला बेल आइकन दबाना मत भूलना। और भैया रील की शुरुआत हो गई है, रील IGTV आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल रही होगी। और अगर आपको कोई लोगो और बैनर वगैरह बनाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तो भैया ये सब बातें किसी और दिन पेलेंगे, आज हम पेलने वाले हैं भैया न्यू जेम्स ट्रिक्स ऑफ 2021। मतलब बिना पैसे के आप कैसे जेम्स वगैरह सब कलेक्ट कर सकते हो ह्यूज अमाउंट में, लेकिन उसमें आपकी भी मेहनत लगने वाली है और कुछ भी उसमें इलीगल नहीं है, सब लीगल है और विदाउट एनी पे है, मतलब फ्री में है। तो भैया उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। तो भैया बिना देरी करे वन बाय वन स्टेप के साथ सारे ट्रिक्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास कितने जेम्स हैं। तो हम अपने जेम्स में नजर डालें तो भैया है हमारे पास 139 जेम्स। किसी के पास 4000, किसी के पास 10, 14, 15 करोड़ों जेम्स हो सकते हैं, वो सब बातें हम देखेंगे बाद में। लेकिन अब हम देखते हैं सीधा मुद्दे की बात कि कैसे आप जेम्स कलेक्ट कर सकते हो। तो भैया सबसे पहले पॉइंट की बात करूं, अगर आपने अभी तक अपने क्लैन गेम्स के रिवॉर्ड कलेक्ट नहीं करे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने कलेक्ट कर लिए तो कोई बात नहीं, यही सेम चीज़ आप नेक्स्ट क्लैन गेम में ज़रूर दोहराना। अगर आप कोई भी टाउन हॉल मैक्स्ड हो और आपको पोशंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं जेम्स को छोड़कर क्लैन गेम्स में, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप क्लैन गेम्स में ध्यान दो, अगर आप मैक्स्ड प्लेयर हो और आपको अगर कोई भी चीज़ की रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है बट जेम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जेम्स तो कलेक्ट करिए और बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप सेल करके कलेक्ट करिए। सेकंड पॉइंट देखो भाई, यही आ गया सेलिंग मैजिक आइटम। तो सेलिंग मैजिक आइटम मतलब जितने भी आपके पास मैजिक आइटम है फालतू के जो आप यूज़ नहीं करना चाहते, ये बेहतरीन होगा ज़्यादातर मैक्स टाउन हॉल के लिए। जो बंदे मैक्स है किसी भी टाउन हॉल के और जिनको पोशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो बेच के भी जेम्स कलेक्ट कर सकते हो। थर्ड बात करें जेम बॉक्स, जेम बॉक्स आपको पता ही है हर वीक जेम बॉक्स आता है, तो उसको आप रिमूव करके बड़े प्यार से 25 जेम्स कलेक्ट कर सकते हो। तो फोर्थ बात करें अपना क्लियर ऑब्स्टेकल्स, होम विलेज के ऑब्स्टेकल्स ट्रीज वगैरह जो होते हैं वो आप क्लियर करके जेम्स कलेक्ट कर सकते हो। और बिल्डर बेस की बात करें तो सेम बिल्डर बेस में भी है, उसके भी आप ऑब्स्टेकल्स कलेक्ट कर सकते हो रिमूव करके। और बिल्डर बेस में ही बात करें तो जेम माइन की, तो जेम माइन को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अनलॉक कीजिए। अनलॉक है तो उसका मैक्स लेवल रश करके भी मैक्स लेवल उसका बढ़ाइए, क्योंकि जो उसकी तादाद होती है जेम प्रोड्यूस करने की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती रहती है जब उसका अपग्रेड लेवल होता रहता है। वन डे में मेबी 3 जेम्स मिलते हैं। अब गाइस बात करें बिल्डर बेस की ही, तो वहाँ पर बूस्ट क्लॉक टावर, मतलब जो क्लॉक टावर है उसको बूस्ट करने के दो दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है जो प्रोडक्शन रेट ऑफ जेम माइन वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब एक दिन में जो 3 जेम्स मिलते थे अगर आप उसको बूस्ट लगा दो तो उसको 6 जेम्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक और इसका फायदा यह है, ऑब्स्टेकल्स ऑफ बिल्डर बेस, मतलब जो ऑब्स्टेकल्स है वो बड़ी तेज़ी से होने लग जाते हैं रिमूव, तो उससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वगैरह वगैरह में। तो भैया एक और की बात कर ले तो वो हमारा अचीवमेंट्स पे होने वाला है, बिल्डर और होम। तो बिल्डर वाले अचीवमेंट्स और होम अचीवमेंट्स, अपने होम विलेज वाले अचीवमेंट्स, आपको अपनी प्रोफाइल में जितने भी ज़्यादा वो है अपने अचीवमेंट्स उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से वहाँ पर जेम्स रखे हैं, कहीं में 50, 250, 400, 1500 ऐसे जेम्स रखे हैं, तो उसको फटाफट से आप कंप्लीट कीजिए अगर आपको जेम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूज अमाउंट आपको जेम्स मिलता है। उसके बाद गाइस एक और बात कर ले, ये कुछ पॉइंट्स है, ज़्यादातर जो बंदे मैक्स है टाउन हॉल के, जो बंदे मैक्स है जिनको कुछ मैक्स करने की जरूरत नहीं बट उनको जेम्स की बहुत जरूरत है, वो बहुत ही इजी ट्रिक है उसके लिए। और भैया जो कर रहा है अपना मैक्स भी कर रहे हैं धीरे धीरे, उनके लिए भी इजीली है अगर आपको सेल करना है तो। तो यहां पर एक और पॉइंट आता है सेलिंग CWL पॉइंट्स, मतलब अगर आप कोई भी CWL पॉइंट्स वगैरह सेल करते हो तो उसके हिसाब से आपको जेम मिलते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप कोई भी हैमर ऑफ बुक वगैरह खरीदते हो, हैमर ऑफ ट्रूप्स फाइटिंग जो भी खरीदते हो, उसको अगर आप सेल करोगे तो उसके आपको 100 जेम्स मिलते हैं। वैसे ही अलग अलग CWL चीज को सेल करने पे आपको अलग अलग जेम्स मिलते हैं। अब एक और बात करें तो क्लैन डिस्ट्रीब्यूटिंग जेम्स, गाइज ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है और जिसके पास
पैसे होते हैं उसके बदौलत 4-5 बंदों को इससे मुनाफा हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। सपोज एक बंदे ने परचेज किए जेम्स, अपने जेब से परचेज किए, और भैया उसी को मतलब डिस्ट्रीब्यूट जाता है क्लैन में, 4-5 बंदों को फ्री में वो जेम्स मिल जाते हैं। तो ये होता है एक का घाटा दूसरे का फायदा। तो भैया लास्ट पॉइंट की बात कर ले, सेकंड लास्ट की, तो वो है टॉप इन ग्लोबल क्लैन की बात कर रहा हूँ। मतलब जो क्लैन ट्रॉफीज में सबसे ऊपर होता है, होम विलेज की ट्रॉफीज में, लेजेंड में सबसे ऊपर होता है, टॉप 3 क्लैंस को जेम्स मिलते हैं, फ्री के जेम्स मिलते हैं सारे मेंबर्स को, और वो क्लैश ऑफ क्लैंस अपने हिसाब से देती है। तो भैया लास्ट पॉइंट की बात कर ले, जो कि CW और क्लैन गेम्स के आगे पीछे आता रहता है, वो है भैया अपना इवेंट। कोई भी इवेंट आता है आपको पता ही है, वहाँ पर इवेंट कंप्लीट करने से कोई मैजिक आइटम्स मिलते हैं या तो कोई जेम्स मिलते हैं, और भैया आपको पता ही है कि एक्सपी तो धड़ाधड़ कहीं से भी मिल जाती है, चाहे वो आप डोनेशन करो, अचीवमेंट पूरी करो, इवेंट कंप्लीट करो, आपको एक्सपी तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो क्लैन में मिले या आपको खुद के प्लेयर में मिले। तो ये थी हमारी जेम्स की कलेक्ट करने वाली स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और स्टोरी हम सुनाने वाले हैं, उसका नाम है बेस्ट वेज टू यूज़ जेम्स, मतलब कहाँ पर आप जेम्स परचेस मतलब आप इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो और आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगे क्लैश ऑफ क्लैंस का। तो भैया पहले मैं बता दूँ, परचेस स्किन आप कोई भी परचेस कर सकते हो, ग्रैंड वार्डन तक का स्किन आपको 1500 में मिल जाती है। यहाँ आप कोई भी स्किन परचेस कर सकते हो, किंग की, क्वीन की, ग्रैंड वार्डन की, 1500 जेम्स में आपको बड़े प्यार से कोई भी स्किन मिल जाएगी, देखने में अच्छी लगती है इसलिए बता रहा हूँ। तो भैया सेकंड पॉइंट की बात करें तो परचेस बुक ऑफ हीरोज, ये बात परचेस बुक ऑफ हीरोज आ गई है जो बंदे अपने हीरोज को मैक्स कर रहे हैं अपने टाउन हॉल में। अगर आपके पास ज़्यादा जेम्स है भैया, बिल्डर जो होता है, जो वहाँ पर साइड में होता है, बिल्डर नहीं, ट्रेड वाला जो बंदा होता है कलूटा सा, वहाँ पर आप जो है बुक ऑफ हीरोज़ खरीद सकते हो 500 जेम्स के अंदर। बहुत सारे अलग अलग मैजिक आइटम्स, मैजिक बुक्स वगैरह आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ही फालतू की होती है। सबसे बढ़िया है कि भैया आप बुक ऑफ हीरो ही खरीदो अगर आए तो। उसके बाद बात करें भैया नेम चेंज, सेकेंड लास्ट रही है, उसके बाद बात करें तो यह नेम चेंज, अगर आपने कोई दूसरा नाम रखना चाहते हो, कोई भी खटारा सा नाम रख दिया है, तो आप नेम चेंज में भी अपने जेम्स इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लेकिन भैया इसमें लिमिटेशन भी बहुत सारी है, जैसे कि अगर आपने फर्स्ट में अपना नेम चेंज कर दिया तो कोई बात नहीं, उसमें कोई जेम्स नहीं लगते, सेकंड बार करोगे तो 500, उसके बाद करोगे 1000, फिर 2000, 3000, 4000, ऐसे नेम चेंज करने में आपके जो है वो जेम्स लगते रहेंगे, और एक नेम चेंज करने के दूसरे नेम चेंज करने में 6 दिन लगते हैं, 6 से 7 दिन लगते हैं सॉरी। तो भैया ये हो गया नेम चेंज का सिलसिला। अब लास्ट की बात करें, ये भी उन्हीं बंदों के लिए है जो अपना बेस मैक्स कर रहे हैं और करना चाहते हैं, कर रहे हैं जो भी। तो भैया ये है अपना यूज़ इन डिफेंस और यूज़ इन हीरोज, मतलब अगर आपका डिफेंस में थोड़ा सा टाइम रह गया है लेकिन आपको लूट मिलने वाली है कहीं से ह्यूज अमाउंट में, और अपना स्टोरेज आप खाली करना चाहते हो और आपके बिल्डर कोई फ्री नहीं है, तो ये बिल्डर, हीरोज़ और डिफेंस तीनों के लिए हो गई है ये बात। आप क्या करोगे, जो आपका डिफेंस जो अपग्रेड हो रहा है वहाँ पर आप जेम्स यूज़ कर दो, जितने भी 8-10 जेम्स लगते हैं कोई बात नहीं, 8-10 जेम बड़े प्यार से आपको हर वीक में मिल जाते हैं, हर वीक में 8-10 से कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं, 2-3 गुना ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों में जल्दी इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको अपना बेस मैक्स करना है, चाहे वो टाउन हॉल 5-2 लेकर टाउन हॉल 14 क्यों ना हो, आप अपने जेम्स यूज़ करिए सही सही जगह पर, ना कि गलत गलत जगह पर। तो ये गाइस आपकी स्टोरी थी हमारी न्यू ट्रिक्स ऑफ जेम्स की, कैसे आप जेम्स को यूज़ कर सके, कैसे कलेक्ट कर सके बिना किसी पे के, ना आपको कोई गोल्ड पास खरीदना है, ना आपको कोई घुइया पास खरीदना है। तो भैया ये थी हमारी वीडियो आज की, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक 1% कर देना, 1% बोले तो 1 ID की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने 10-10 ID से सब्सक्राइब किया है तो वो भी ठीक है। तो यार सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और शेयर ज़रूर करना, क्या पता किन्हीं मेरे दोस्तों आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ जाए इन वीडियोस की, क्योंकि YouTube में तो बहुत सारी वीडियोस दिखा रहे होंगे उसमें घंटे घंटे लगा देते हैं बताने में, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि कैसे आप जेम्स कलेक्ट कर सकते हो और कैसे आप वगैरह कर सकते हो। कोई दिक्कत है Instagram की ID डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, वहाँ आके मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना, सीधा आपको रिप्लाई मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या किसी लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे, तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ, स्टे होम एंड क्लैश ऑन।